हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मुझे ये लावा का एक टैबलेट मिला है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, एक योजना चलाई गई थी कि सबको स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप वगैरह मिलेगा ताकि वो आज के टेक्निकल युग से या टेक्निकल ज़माने से जुड़ सकें। तो उसके अंतर्गत मुझे इस योजना का लाभ मिला और मैं आज इसका इस लावा का ये टैबलेट मिला है जिसकी 2 GB रैम है और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है और ये 256 GB, ये हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसका अभी रिव्यू, फुल रिव्यू करने वाला हूँ। तो इसका मैं आपके सामने ये ओपन करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये सब। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको पूरा फुल रिव्यू देखेंगे और पूरी फुल वीडियो देखेंगे। मैं अभी आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस इसमें क्या है, 20.32 सेंटीमीटर इसका HD IPS डिस्प्ले है ना, और स्टाइलिश डिज़ाइन है ये, स्लीक कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल विथ मेटल बॉडी, ठीक है। और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है इसकी 5100 mAh, जो कि थोड़ा सा हमें बैटरी बैकअप बढ़िया देगी और उम्मीद करता हूँ बैटरी बैकअप इसका बढ़िया मिलेगा। क्योंकि बस इसमें दिक्कत क्या है ना कि 2 GB रैम है, जो कि एक मतलब स्मार्टफोन की भी अगर रैम आती है तो हम लोग अभी 4 GB चलाते हैं तो भी हैंग करने लगता है फ़ोन। कोई नहीं, अभी इसका हम लोग फिर रिव्यू करते हैं। एम्पल स्टोरेज का क्या है, 2 GB रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड 32 GB इंटरनल स्टोरेज है। हमारे पास इतना इंटरनल स्टोरेज भी दे दिया है और एक्सपेंडेबल कितना है, 256, मतलब 256 GB हम इसे SD कार्ड लगा के बढ़ा सकते हैं ना दोस्तों। और अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी दिया है, फास्ट 2 GHz प्रोसेसर है, डुअल सिम सपोर्ट है, मतलब 2 SIM इसमें लगेगी, और ये 4G है, वोल्टी है, BT 5.0, और ये कंपनी जो है ये लावा है, ठीक है। तो लावा की कंपनी है ये, इसका फुल है, मेरा 144 मेरा नंबर था, इसके थ्रू मुझे मिला, जैसे रोल नंबर कह लीजिए आप। तो मैं इसे आपके सामने इसे रैप को खोलता हूँ, फ़िलहाल देखता हूँ अभी रैप खुलेगा कहाँ से, यहाँ से शायद मे भी खुल जाए, है ना। मैंने कुछ लाया नहीं इस रैप को खोलने के लिए, मेरी गलती हो गई, जबकि मुझे कुछ लेके आना चाहिए था। कोई नहीं, हम लोग इसको ओपन करते हैं। ये रहा हमारे सामने खुल गया दोस्तों, है ना। खुलने के बाद ये रहा इसका फ्रंट व्यू, आप दूर से देखिए, इधर भी लावा, बीच में पूरा फुल स्पेस है ना। और अब हम लोग इसको ओपन करते हैं, पहले तो हमें इसे क्रॉस करना पड़ेगा, बिना कट किए ये खुलने वाला नहीं है। मैं इसे फिंगर की हेल्प से कट कर सकता हूँ। अब ये खुल गया है ना दोस्तों, तो अभी मैं इसको पूरा फुल आपको रिव्यू करता हूँ, ओपन निकलने जाए तो। सॉरी, अभी एक और ये लावा का रैप रह गया, देखिए साइड में, है ना। अब मे भी ये निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसे ओपन करते हैं। ओह वाओ, ये इसका डिस्प्ले देखिए आप लोग, कितना खूबसूरत है, ऐसे देखने से ही कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आपको पूरा फुल दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको फ़ोन देखिए पूरा फुल्ली पैक्ड और विथ मतलब एक सिक्योरिटी इसकी देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा सा एक कवर दे दिया इन्होंने। अभी देखते हैं इसके साथ साथ में क्या मिला है, काफ़ी सरप्राइज है, इसमें कुछ नया नया मिल रहा है, पहली बार टैबलेट मिला है दोस्तों अभी तक के पूरे जीवन में टोटल। ये देखिए, ये फ़ोन रहा, अभी हम लोग इसको रिव्यू करते हैं, इसको ऑन भी करके रिव्यू करेंगे, देखते हैं। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मुझे इस पैक के साथ क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। देखिए इस पैक के साथ क्या क्या मिला हुआ है दोस्तों। ये तो इसका कवर हो गया, है ना, कवर है, और कवर के साथ साथ में इस कवर को हमने हटाया। ओ वाओ, एक चार्जर मिला है लावा का, जो कि टारगेट चार्जर है, आप लोग देखिए टारगेट चार्जर है, मॉडल LAU120, इनपुट है इसका 100 से 240 वोल्ट है ना, 100 से 240 वोल्ट और 50 से 60 हर्ट्ज एंड 0.3 एम्पियर का ये चार्जर है, 0.3, ठीक है। आउटपुट कितना है इसका, 5 वोल्ट है, 2000 mAh देगा। मेड इन इंडिया है दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो है लावा जो है वो मेड इन इंडिया है, आपको दिख रहा होगा मेड इन इंडिया, है ना। चलिए, ये हो गया इसका चार्जर, और ये इसका हो गया डाटा केबल, मतलब चार्जर की ये केबल है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा चार्जर का केबल है। और ये आपको एक पिन दे दी गई है जिसके थ्रू आप सिम को
लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, तो ये आपको पिन मिल जाती है एक अच्छी खासी। ये सब सरकार की योजना है दोस्तों। ओ वाह, सबसे खूबसूरत चीज़ इसमें ईयरफोन भी मिला है जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। एक ईयरफोन भी मिला है, वो भी लावा कंपनी का ही है, अगर आपको नज़र आ रहा हो क्लियर, तो ये लावा कंपनी का एक ईयरफोन मिला है। उम्मीद करता हूँ ये ब्रांडेड होगा, खुद लावा कंपनी का ही है। ओ वाह, एक फ्लिप कवर, इतना अच्छा प्यारा सा एक कवर मिला है टैबलेट के लिए, दिख रहा है आपको, ये एक प्यारा सा एक कवर मिला है। मैं आपको इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ। अभी मैं छत पे ना वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा आप लोगों के सामने ये रिव्यू करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये फ्लिप कवर मिला हुआ है, फ्लिप कवर काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पे आप अपने फ़ोन को रख सकते हैं और इसके बाद इसे फ्लिप कर सकते हैं ना। यहाँ पे ये कैमरे के लिए इन्होंने एक पास दिया, दिख रहा है आपको, ये कैमरे के लिए है, बैक कैमरा इसका रहेगा। तो ये हो गया इसका कवर दोस्तों। आइए फ़ोन को भी एक बार हम लोग ओपन करते हैं, फ़ोन को भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ोन को मैं निकालता हूँ। फ़ोन वैसे ब्लैक कलर है, काफ़ी प्यारा लग रहा है दोस्तों। ये जो टैबलेट है काफ़ी प्यारा लग रहा है। सॉरी, थोड़ा सा टच हो गया, ये दीवार में थोड़ा सा टच हो गया। ये देखिए, इसका ये कैमरा है, रियर कैमरा, बैक कैमरा है, और ये इसका रियर कैमरा, इधर रहा फ्रंट कैमरा है ना। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं। हाँ, अभी कुछ चार्ज है दोस्तों, देखा आपने, कुछ लावा नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, उम्मीद करता हूँ बढ़िया नज़र आ रहा होगा, क्योंकि चूँकि हम लोग धूप में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो थोड़ा मुझे नहीं नज़र आ रहा है, मेरी खुद की जो मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये लावा अभी खुल के आ रहा है, पावर्ड बाई एंड्रॉयड, देखते हैं ओपन होने के बाद क्या नज़र आता है ना। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा साथ साथ में। और सबसे ज़्यादा दोस्तों, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है। ये देखिए, खुलने के बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार, आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना लोगो बना दिया है इस पर, ठीक है। टैबलेट वैसे बहुत प्यारा लग रहा है, ब्लैक कलर का है, और इन्होंने शायद ये स्क्रीन गार्ड जो दिया है, इसका स्क्रीन गार्ड जो देखो पहले से ही लगा हुआ है। ये आ गया हेलो, कह रहा है इंग्लिश इंडिया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश तो है ही हमें, ठीक है। अभी बैटरी मेरी फुल चार्ज है, कनेक्ट टू अ मोबाइल नेटवर्क, तो मैं इसे स्किप कर देता हूं दोस्तों, मेरे पास तो है नहीं, मैं इसे स्किप कर देता हूं। स्किप करने के बाद ये दे रहा है फिर से, ये कह रहा है कि सेटअप ऑफलाइन है ना, ये तो मुझे दिखा रहा है कि कितने वाईफाई हैं मेरे पास फ़िलहाल में, तो जिसमें से मेरे पास किसी का भी पासवर्ड नहीं, ये सब पड़ोसियों के हैं। तो अभी मेरे पास सेटअप ऑफलाइन का एक ऑप्शन है, सेटअप ऑफलाइन मैं करता हूँ, ठीक है, मैं ऑनलाइन बाद में कर लूँगा नीचे। तो ये है इसका, डेट एंड टाइम दे दे रहा है, डेट या टाइम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम GMT के थ्रू, और अभी जो इसका टाइम है जो भी है, मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ ना दोस्तों, मैं बाकी सेटअप बाद में कर लूँगा। तो नेक्स्ट करने के बाद ये दे रहा है ना, यूज़ लोकेशन, अलाउ स्कैनिंग, सेंड यूजेस एंड डायग्नोस्टिक डाटा, इंस्टॉल अपडेट एंड ऐप्स। स्क्रीन इसकी दोस्तों बहुत ही प्यारी लग रही है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये स्क्रीन बहुत प्यारी लग रही है ना, जैसे इन्होंने कहा है कि, मतलब ये देखिए, इन्होंने कहा है कि 20.32 सेंटीमीटर का HD IPS डिस्प्ले मिल रहा है, तो HD डिस्प्ले तो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये 20 सेंटीमीटर का है, 20 और मतलब मान लीजिए लगभग 20.32 सेंटीमीटर है, बट डिस्प्ले काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों टैबलेट का, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो है ना, उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि धूप है मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ इसे, एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग आगे जब बढ़ देंगे, क्या देता है, दे रहा है ना कि सेट स्क्रीन लॉक फॉर सिक्योरिटी सेट पिन, तो मैं इसे स्किप कर दे रहा हूँ, मैं बाद में इसे अपना बना लूँगा जो भी मुझे स्किप करना होगा। ये दे रहा है स्किप लॉक स्क्रीन, गो बैक, स्किप एनी वे, तो मैं स्किप एनी वे पर क्लिक करता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद ये दे रहा है उत्तर प्रदेश सरकार, ये टैबलेट बना है, ये स्मार्टफोन बना है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, ये टैबलेट और ये स्मार्टफोन, उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं को तकनीकी शक्तिकर टैबलेट और स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत 2021-22, तो इसके अंतर्गत मुझे ये टैबलेट मिला हुआ है। तो ये इसका फुल रिव्यू था, और अभी मैं आपको इसमें सेटिंग, अगर मुझे मिल जाती तो मैं सेटिंग का आपको दिखाता हूँ कुछ,
दिखाना चाहता हूँ आपको कि कितना इसमें इंटरनल क्या दिया गया है। अभी ये देखिए, इसका ये कैमरा क्वालिटी है ना, आपको दिख रहा होगा, ये इसका कैमरा क्वालिटी है ना। इसका कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी बेहद बेहतरीन है, बढ़िया है, इतना काफ़ी है हमारे लोगों के लिए, है ना, नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी क्वालिटी बढ़िया है। तो ये तो इसका ये मिल गया हमें, सेटिंग का ऑप्शन कहाँ नज़र आ रहा है, सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा दोस्तों। मे बी इसमें होगा फ़ोटोज़, मैप, यूट्यूब वगैरह वगैरह, डॉट डॉट, ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन इधर कहीं पे होगा ना, ये रहा सेटिंग का ऑप्शन। तो हम लोग करते हैं सेटिंग पे, सेटिंग पे देखते हैं इस फ़ोन के बारे में कुछ देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग नेटवर्क है, सब कुछ फ़ोन वाला है ना। 24% यूज्ड है स्टोरेज, और अभी 24.3 GB अभी इसमें बचा हुआ है ना। तो देखिए टैबलेट के बारे में दे रहा है, टैबलेट के बारे में जब ओपन करेंगे सेटिंग के अंदर का दोस्तों, डिवाइस का नाम है T81N और MDN अनोन है, बाकी सब कुछ यही है। सिम स्टेटस सिम ने अभी हमने लगाया नहीं है। एंड्रॉयड वर्जन जो है वो आपको 10 मिलता है, ठीक है दोस्तों, एंड्रॉयड वर्जन जो मिलता है आपको 10 मिलता है। फिलहाल में IP एड्रेस अभी है नहीं, जब मैं सिम लगाऊंगा तो IP एड्रेस आ जाएगा। तो दोस्तों ये था ये फ़ोन, अभी मैं आपको इसको दिखा सकता हूँ, इसका फ्रंट कैमरा भी दिखा सकता हूँ। इसको मैं जब फ्लिप करूँगा तो ये अभी देखिए फ्रंट कैमरा भी खुल जाएगा। ये देखिए ये रहा फ्रंट कैमरा जिसमें हम लोग नज़र आ रहे हैं, अभी देखिए मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ दीवार के सहारे। तो ये रहा फ्रंट कैमरा, और ये रहा इसका रियर कैमरा जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, रियर कैमरा है ना। बैक कैमरे के बाद बैक कैमरा है, इसमें HDR का भी ऑप्शन है, फ्लैश का भी ऑप्शन है, वीडियो भी बना सकते हैं, वीडियो क्वालिटी भी बढ़िया है। और इसके बारे में मैं देखता हूँ और कोई ऐप मिलता है मुझे, अभी फ्री में कितने सारे ऐप्स यूज़ करने को मिल रहे हैं। देखिए कैमरा है, कैमरा तो सब में रहता है, क्रोम है ना, क्रोम है, FM रेडियो है, जीमेल है, और यूट्यूब है, YT म्यूज़िक है, ये सब पहले से इसमें इंस्टॉल्ड हैं। तो ये सब मुझे ऐप मिलते हैं यूज़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको ये टैबलेट, और अगर आपको पसंद है, ये देखिए इसका बैक साइड है, अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस रिव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है ओपन करने में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकता है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब बढ़िया लगा होगा रिव्यू। तो अभी फ़िलहाल मैं फ़ोन को अपने निकालता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी मैं छत पे आया हुआ हूँ, शर्टलेस बॉय। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, टाटा, जय हिंद, जय भारत।